बताना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली के एनजीटी के ऑफिस पे भी चलेगा। अभी नहीं कहा कि किस किस के दस साल से पहले कौन कौन से चीज चल रहे, इनका प्लान क्या है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो, ये 10 साल का पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर चलाकर दिखा है। 20 लाख आदमी था दिल्ली की सड़कों पर। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है। हम जाएंगे देश में और जब किसान यात्राओं में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े, अपने ट्रैक्टर पर लिखे किसान क्रांति 2021 26 जनवरी। जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसानों से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले, जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी आप सब लोगों को अपने गांव से ये करना है कि शिफ्ट वाइज, जैसे आप खेती करते हो ना, ऐसे ही शिफ्ट वाइज आपको गांव दर गांव यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाते रहना है। ज्यादा भी नहीं बढ़ानी, कम भी नहीं रखनी, जितनी है तेरे काम चलता रहेगा। ठीक, आपको हमारे पर चिल्लाएगा, कभी बढ़ा दे झटका से मार दिया, कभी किसी की पर्ची आ गई ठीक कर लिया काम, जो गन्ना किसान था उसने समझ लिया कि आंदोलन लंबा चलेगा, जिसकी पर्ची आवे वो गांव में चले जाए दूसरे वाला आप आ जा, जो ठीक पड़ेगा रूटीन दोबारा मिलाओ कैसे उठाएंगे। सरकार की जब समझ में आ जाए, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब वो बात कर ले। हमारी कमेटी भी वही है, हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में ना पड़े, ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे। वे कील बोएंगे, हम फसल बोएंगे। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, ये नारा इस आंदोलन का रहेगा। जो मिट्टी पे कब्जा करा है, हर किसान जो गांव से आएगा अपने खेत की एक मुट्ठी मिट्टी यहां पर ले आए और यहां से एक मुट्ठी मिट्टी जो क्रांति की मिट्टी होगी वो लेकर चला जाए, अपने खेत में बखेर देना, वो खेत की तरफ कभी व्यापारी देखेगा नहीं। ये आंदोलन मिट्टी से ही जोड़ना है। जो हमारा नौजवान है अपने खेत की मिट्टी को अपने बॉडी से टच जो कर लेगा वो जमीन नहीं बेचेगा। ये 1 साल का आंदोलन हमारा चलेगा। सरकार से खुले ऑफर है, हमारे प्रस्ताव है, ये एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। बगैर एमएसपी के कानून पे हम घर वापसी नहीं जाएंगे। 3 बिल वापसी लेने पड़ेंगे, उसके बगैर घर नहीं जाएंगे। ये गलत फहमी छोड़ दे कि 3 बिल वापसी ले लेंगे और एमएसपी पे कानून नहीं, ये कोई मंजूर नहीं होगा। इससे बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता। हम सरकार को छोड़ नहीं सकते, ना हम आंदोलन छोड़ देंगे ना हम सरकार को छोड़ देंगे। ये आंदोलन चलाना पड़ेगा। अगर अब कानून नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनने का। देश का किसान आधे रेट में लूटा है, देश का किसान आधे रेट में लूटा है। पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पे बिकता है, पूरे देश में नहीं बिकता। ये पूरे देश का सवाल है। ये बांटने की कोशिश करेंगे, एक स्टेट का आंदोलन ना, ये पूरे देश का आंदोलन है। यात्राएं निकलेगी, कब क्या प्रोग्राम होना वो भी बताएंगे, शहीद स्मारक भी बनेंगे, सब चीज होगी। और जो बॉर्डर पे, जो हमारा सिंगो बॉर्डर पे ऑफिस है, फैसले फसलों के फैसले किसान करेगा, किसान करेगा फसलों के फैसले। और आंदोलन के फैसले पंचायत करेगी, आंदोलन के फैसले पंचायत करेगी, फसलों के फैसले किसान करेगा। आप दिक्कत मन नो बनाता पता वाले रहो, गांव में तैयार रहो, कभी भी कॉल हो जाओ अपना आ जाओ। जिस हिसाब से युवा आया है,
जो यूथ आया है, सबसे बड़ी खुशी है कि युवा जुड़ गया। आपको अपनी जमीन से ही रोजगार मिलेगा, व्यापारी रोजगार नहीं देने का, उसके गलत फेम में मत रहना। वो आपकी जमीन छीनने का काम करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आपकी जमीन के रेट बढ़ा के मिलेगा। आपको जमीन नहीं देनी ठेके पे, जमीन नहीं देनी उसको। ये जो नोटिस जा रहे हैं, जिस थाने में नोटिस जा रहे हैं, उनकी भी कॉल होगी। आंदोलन अगर नोटिस जाएंगे, नोटिस वापसी नहीं होते तो आंदोलन थानों पे भी होंगे, आंदोलन सब जगह होंगे। ये जो नोटिस है ना, जो आप दिल्ली के आंदोलन में होगा उसको नोटिस जाएगा, जो अयोध्या में मंदिर तोड़ने का काम करेगा उनको नोटिस नहीं जाएगा। कितने लोग थे अयोध्या में मंदिर तोड़ने में, किसने गारंटी ली उसकी? भीड़ को क्यों नहीं रोक क्या वहां पे? ज्यादा इसको पॉलिटिकल ना बनवाने की कोशिश करें। ये जो भी नोटिस भेज रहे हैं जिस जिले में, इनका भी अगला इलाज बताओगे क्या करना पड़ेगा। अगला आंदोलन इन पे भी होगा, यहां पे भी चलेगा और वहां पे भी चलेगा।